हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवियन सर कॉमर्स क्लासेस, स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता, हमने लास्ट क्लास में इलिस्ट्रेशन 35 से लेके 38 तक डिस्कस की थी, और मैंने कहा था कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखेंगे इससे रिलेटेड, और साथ साथ इलिस्ट्रेशन 39 एंड 40 आपको सॉल्व करके देखनी है। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। यदि कोई डाउट नहीं है तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक अबाउट द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, यानी कि हमें शेयर्स का फॉरफिट करना है, सॉरी शेयर्स को फॉरफिट करना है कब, जब वो प्रीमियम पर इशूड हो। इससे पहले जो टॉपिक हमने कवर किया, दैट इज रिगार्डिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन इशूड एट पार। साथ साथ आप यहाँ एक बात नोट करेंगे कि जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो दो सिचुएशंस बनती हैं जब वो प्रीमियम पर इशूड हो। दो सिचुएशंस में, पहली सिचुएशन होती है व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स बिकम्स ड्यू बट इज नॉट रिसीव्ड, यानी प्रीमियम ड्यू हो गया लेकिन हमें मिला नहीं। और दूसरी सिचुएशन बनती है व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर इज रिसीव्ड, यानी प्रीमियम आपको मिल चुका, यानी कि प्रीमियम हमने मांगा है, प्रीमियम मिला, प्रीमियम नहीं मिला, ये दो सिचुएशन बनती है। आइए इलिस्ट्रेशन 41 को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशंस बनी हुई हैं, है ना। टॉपिक तो क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर का है। शेयर्स को क्या करना है आपको, फॉरफिट करना है। कब, व्हेन ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, जब ये ओरिजिनली किस पर इशूड है, प्रीमियम पर है। तो इससे रिलेटेड हमने देखा कि दो केसेस आपके सामने बन रहे हैं। कौन कौन से दो केसेस बन रहे हैं, प्रीमियम रिसीव्ड एंड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, ये दो कंडीशन हमारे सामने निकल कर आती हैं इससे। अब ध्यान रखिएगा, जब आपके सामने कंडीशन है प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप ये बात नोट करेंगे। यहाँ पर क्या बात आपको नोट करनी है कि जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम दैट इज एक्स्ट्रा देन कैपिटल, ये कैपिटल के अलावा होता है, राइट, कैपिटल के अलावा होता है, तो इसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। तो यदि आपको प्रीमियम मिल जाता है तो जब शेयर फॉरफिट किए जाएंगे तो उस वक्त ना तो आप इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और ना ही इसको क्रेडिट में डालेंगे, क्योंकि आपको मिल गया। प्रीमियम को हटाइए साइड से, बस शेयर की फेस वैल्यू देख लीजिए कितनी है, कोल्ड अप वैल्यू देख लीजिए कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, यदि प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को यदि आप उसमें क्या करेंगे, डेबिट करके चलेंगे फॉरफिट की एंट्री में, और साथ ही साथ क्रेडिट में जिस पर नहीं मिला उस कॉल के साथ इसको क्रेडिट कर देंगे, दैट्स ऑल। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं ये कहना चाहता हूँ जब प्रीमियम आपको मिल जाए तो फॉरफीचर की एंट्री होगी, तो क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, जिस पर प्रीमियम मिलता है नॉर्मली वो होती है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट आपको इसका मतलब मिल चुकी होगी यहाँ पर, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और जो मिला वो हम डाल देते हैं किसमें, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, इज इट क्लियर। हाँ, कई बार प्रीमियम एप्लीकेशन पर मांग लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो तो मिल ही जाएगा, ना मिलने का तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, सिंपली यदि वो आपको मिल गया है तो आपको डेबिट करना ही नहीं है, और एप्लीकेशन पर मिल गया है तो ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन का जो पैसा मिला है उसमें से प्रीमियम को हटाकर आप पैसा किस में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इज इट ओके। और प्रीमियम यदि नहीं मिला है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, साथ में आप डेबिट कर देंगे जो नहीं मिला हो तो। और ये जनरली किस पर मांगा जाता है, अलॉटमेंट पर, तो इसका मतलब आपको यहाँ अलॉटमेंट भी मिली नहीं है, और यहाँ पर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली है, ठीक है, और यहाँ पर आपको शेयर फाइनल कॉल भी नहीं मिली है। तो मिला क्या है, मिला है आपको जो वो हम डाल देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर या शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। ऑप्शन की आपको दोनों एंट्री समझ में आ रही होंगी, जब प्रीमियम आपको मिल जाता है और प्रीमियम आपको नहीं मिलता है तो आपको ये दो एंट्री पर फोकस करना है। प्रीमियम मिल जाए तो प्रीमियम को ना तो डेबिट करना ना क्रेडिट करना, और नहीं मिले तो जितना प्रीमियम आपको नहीं मिला वो डेबिट भी होगा, और क्रेडिट जिस पर मांगा गया उस एंट्री में जोड़कर इसको हम लिखेंगे। उसके बाद रीइशू की एंट्री है, रीइशू और फॉरफीचर, फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करने की और फॉरफीचर बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। जैसा हमने पहले जो है ना इलिस्ट्रेशन 30
6 ऑनवर्ड देखा था वैसे ही काम हमें यहाँ करना है, बस मेन डिफरेंस किस में आएगा, 4 फीट की एंट्री में। तो अब सब आपकी 4 फीट की एंट्री आपको समझ में आ रही है। ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम मांगा कहाँ गया है। प्रीमियम जिस भी कॉल पर मांगा गया, यदि वो कॉल नहीं मिली तो प्रीमियम नहीं मिला, और वो कॉल मिल गई तो प्रीमियम मिल गया। ये केवल आपको इस बात का ध्यान कहाँ रखना है, जब शेयर्स एट पार पर क्या हो, सब्सक्राइब्ड, एट पार पर क्या हो, सब्सक्राइब्ड, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ना हो। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी हमें इस बात पर ध्यान करना है कि अगर प्रीमियम हमें मिला है नहीं मिला ये देखना है, तो वहाँ थोड़ा सा अलग से एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। जब उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको उन पर फोकस करके चलना है। फिलहाल हम देखते हैं कि जब प्रीमियम मिल जाए और प्रीमियम ना मिले, आइए इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन 41 देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। इलस्ट्रेशन 41 क्या कहती है, आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन 41 में लिखा है, एस लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज, यानी 100 + 10, 110 में आपने क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया। शेयर कितने में इशू कर दिया, 110 रुपये में, जिसमें पैसा कैसे मांगा है, एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट पर 40, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब ये प्रीमियम के इसमें क्या है, 10 रुपये शामिल है, तो कैपिटल के कितने हो जाएंगे, 30। तो ये हो जाएगा 30 + 10। और फर्स्ट कॉल पर कितने मिले हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 40 रुपये, यानी ये मांगे हैं हमने, ठीक है, पेबल है इस तरीके से। ऑल द शेयर्स पर फॉर अप्लाइड फॉर एंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स, सारे शेयर सब अप्लाइड भी हो गए, सभी इंस्टॉलमेंट पर पैसा रिसीव्ड भी हो गया ड्यू डेट पर, विद द एक्सेप्शन छोड़कर ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन 100 शेयर्स, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एज फुली पेड अप ₹105 पर शेयर। यानी 100 शेयर पर ना तो आपको अलॉटमेंट मिली और ना ही आपको कॉल मिली, फाइनल कॉल मिली, और इन शेयर को आपने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, उनको रीइश्यू भी कर दिया। रीइश्यू कितने में कर दिया, रीइश्यू कर दिया हमने इनको बेसिकली, ओके क्वेश्चन नहीं दिखा था, लीजिए, रीइश्यू कर दिया कितने में, 105 रुपये में, फुली पेड अप मानते हुए, यानी 100 का मानते हुए 105 नहीं, रीइश्यू भी दोबारा किस पे किया, प्रीमियम पे किया, यानी फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो हम एंट्रीज किस तरीके से करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, 5,000 शेयर पर 30 रुपये के हिसाब से 1,50,000 की हमारी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लीजिए एंट्री साथ साथ चेक करते हुए चलते हैं, 5,000 शेयर पर पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1,50,000 रुपये। नेक्स्ट ये हमें रिसीव हो गया, इसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 1,50,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट कॉल किसकी है, 5,000 शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा पैसा, उसमें सॉरी शेयर अलॉटमेंट में डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये, क्योंकि 10 रुपये का प्रीमियम है। अब इसके बाद हुआ क्या कि हमें लेने थे कितने, 2,00,000 रुपये, हमें लेने थे कितने, 2,00,000 रुपये, लेकिन एक शेयर होल्डर था कितने शेयर का, 100 शेयर का, कितने शेयर का, 100 शेयर का, जिसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 शेयर पर अलॉटमेंट कितने रुपये की हमारी, 40 रुपये की, तो 100 शेयर पर 40 के हिसाब से हमें कितने नहीं मिलेंगे, 100 शेयर पर 40 के हिसाब से हमें नहीं मिलेंगे 4,000 रुपये। तो 4,000 माइनस कर दीजिए कितने बच गए, 1,96,000। तो ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी, तो रिसीविंग की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,96,000। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5,000 शेयर पर कितने रुपये से मांगी आपने, 40 रुपये से मांगी थी, तो ये भी 2,00,000 से क्या हो गई आपकी ड्यू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब इसको रिसीव करें तो अगेन 100 शेयर पर 40 रुपये आपको मिलेंगे नहीं, तो यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी आपको कितना रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹1,96,000। इज इट ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या कहा था हमें, इन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि इन शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, इन शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। तो 100 शेयर को फॉरफिट करेंगे तो कॉल्ड अप मनी तो कितनी है, पूरे के पूरे 100 रुपये, राइट। और प्रीमियम आपको मिला कि नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं मिला, तो 100 × 10 प्रीमियम आपको नहीं मिला, तो 100 × 40 अलॉटमेंट के नहीं मिले, 100 × 40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले, तो मिला कितना, ₹30। तो ये हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और टू शेयर फोर फीचर के नाम से एंट्री हम यहाँ पास कर देंगे। अब उसके बाद क्योंकि रीइश्यू 105 में कर रहे हैं तो बैंक में पैसा कितना आ जाएगा, 100 शेयर पर 105 रुपये के हिसाब से, टू शेयर कैपिटल कितने की है, 100 शेयर पर 100 रुपये के हिसाब से,
और बाकी जो बच गया वो सिक्योरिटी प्रीमियम 100 × 5। ये हो गई इनकी रिशू की एंट्री। अब पैसा ट्रांसफर करना कैपिटल रिजर्व में, तो मुझे बता दीजिए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। 100 शेयर आपने रिशूड किए, पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ था? 30 रुपये का हुआ था। पर शेयर लॉस कितना हुआ? 0 रुपये। जीरो, तो 100 × 30 3000 रुपीज आप क्या कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। आइए इसकी तीनों एंट्री भी चेक कर लेते हैं एक बार। लीजिए इसकी एंट्री देखते हैं। शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर 10,000, 1,000, 4,000, 4,000, 3,000। हमने रिशू कर दिया 10,500 का प्रीमियम और फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया? 3,000। इज इट ओके? ये तीनों एंट्री आपको समझ में आ रही हैं। चलिए इलस्ट्रेशन 42 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 42 क्या कहती है? इलस्ट्रेशन 42 है आपके सामने। ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर इशू किए हैं? इक्विटी शेयर 10,000। कितने रुपए का एक है? 50 रुपये का एक है। 55 रुपये में इशू किया, यानी 5 रुपये प्रीमियम पर। एप्लीकेशन पर 15 मांगे हैं, अलॉटमेंट 20 मांगे, जिसमें 5 रुपये प्रीमियम शामिल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 20 रुपये मांगे हैं। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। यहाँ पर क्या हो गया? मतलब यहाँ पर हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि भाई 500 शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए। लीजिए यहाँ पर हो गया क्या कि अलॉटमेंट के बाद आपने शेयर फॉरफिट कर लिए। इसका मतलब अलॉटमेंट तक आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना पैसा आपने मांगा है, उसी के हिसाब से कॉल्ड अप वैल्यू होगी और उसी के हिसाब से ये आपकी एंट्री होगी, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो प्रीमियम भी नहीं दे रहा। उसके बाद है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर ऐसा भी है जिसने अलॉटमेंट पर क्या कर दिया? अपना सारा पैसा ही दे दिया। चलिए ये तो एडवांस पेड कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आफ्टर द कंपनी हैड मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स पर री इशूड एज फुली कॉल्ड अप एट ₹45 पर शेयर। यानी फुली कॉल्ड अप मतलब 50 का मानते हुए, क्योंकि शेयर 50 का था, 45 में रीशू कर दिया, यानी 5 के लॉस पर इशू कर दिया। शेयर इशू एक्सपेंसिज हुए ₹7,000 के, विच वर रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ऑल्सो प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। आइए एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं ब्रीफली कि करना कैसे है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि कितने शेयर इशू किए हैं। टोटल 10,000 शेयर इशू किए हैं। कितने का एक है? 50 का। कितने पे इशू किया? 55 पर, यानी 5 रुपये प्रीमियम। तो एप्लीकेशन की एंट्री में तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। 10,000 शेयर पर 15 के हिसाब से 1,50,000 रुपये से एप्लीकेशन रिसीव कर लेंगे आप लोग? जी सर कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,50,000 और ट्रांसफर भी कर देंगे? हाँ जी सर कर देंगे। एंट्री क्या होगी बता दीजिए जल्दी से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 20 रुपये के हिसाब से ड्यू की क्या एंट्री हो जाती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्यों? क्योंकि प्रीमियम मांग रखा है। कितने शेयर पर? 10,000 शेयर पर कितने रुपए के हिसाब से? 20, 15 और 5 रुपए। तो ये हमारी ड्यू की एंट्री होगी। अब रिसीविंग क्या हुआ कि 500 शेयर का एक होल्डर हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा और साथ ही साथ 100 शेयर का होल्डर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर दे रहा है। तो इसकी रिसीविंग हम कैसे करेंगे? सर इसकी रिसीविंग हम इस तरीके से करेंगे कि हमें मिलने कितने थे? हमें मिलने थे भैया 2,00,000 रुपये। ठीक है जी, 2,00,000 मिलने थे। माइनस 500 पर कितने नहीं मिले? 10,000 नहीं मिले सर, हटा दीजिए 10,000 नहीं मिले। तो प्लस एडवांस कितना मिला? 100 शेयर पर 2,000 रुपये आपको एडवांस मिले। तो कुल कितने मिले? 2,00,000 - 10,000 1,90,000 प्लस 2,92,000 आपको रिसीव हुए अलॉटमेंट पर। तो रिसीविंग की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,92,000, टू शेयर अलॉटमेंट 1,90,000 और टू कॉल्स इन एडवांस 2,000 रुपये। अब अलॉटमेंट के बाद क्या किया इसने? इन शेयर को तुरंत फॉरफिट कर लिया। किनको? जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी। अब फॉरफिट करेंगे तो सबसे पहले बताइए कॉल्ड अप मनी कितनी है यहाँ पर। देखिए कॉल्ड अप के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये हमने उससे मांगी है अब तक। तो 20 रुपये है अलॉटमेंट के, 5 रुपये डाल दीजिए, 15 रुपये कैपिटल के, यहाँ 15 रुपये कैपिटल के, यानी 30 रुपये कैपिटल के बनते हैं। तो फॉरफिट की एंट्री कैसे की जाएगी इनकी? आइए मैं फॉरफिट की एंट्री आपको बता देता हूँ। 500 शेयर पर कॉल्ड अप मनी कितनी है? 30। क्या इसने अलॉटमेंट दी? नहीं दी। तो इसका मतलब इसने 500 शेयर पर प्रीमियम भी नहीं दिया। तो 500 शेयर पर क्या नहीं मिला इससे मुझे? 500 शेयर पर इससे मुझे नहीं मिले 20 रुपये अलॉटमेंट के। मुझे मिला क्या इससे? मुझे इससे मिला 15 रुपये एप्लीकेशन के। तो ये एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब इनको रीइशू कब कर रहे हैं?
यहाँ लिखा है कि जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने मांग ली तो उसके बाद आपने इनको क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। तो यानी कि इसका मतलब मार्केट से 500 शेयर कम हो गए। हाँ जी कम हो गए। शेयर टोटल कितने थे, 10,000 शेयर थे। 10,000 शेयर में से 500 शेयर क्या हो गए, कम। कितने बचे, 9,500 शेयर बचे। अब 9,500 शेयर जो बचे, यानी उन पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे। हाँ जी मांगेंगे। तो 9,500 शेयर पर 20 रुपये के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की बनती है, 1,90,000 रुपये की बनती है। तो क्या एंट्री कर देंगे, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही। अब जब इसको रिसीव करेंगे तो रिसीविंग कितनी होने वाली है, 1,90,000 आपको मिलने थे, उसमें से 100 शेयर पर आपको पहले ही पैसा मिल चुका 2,000 रुपये, तो ये आपको नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे अब, 1,88,000। रिसीविंग की एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो कॉल्स इन एडवांस हमने अर्लियर अलॉटमेंट पर क्रेडिट किया था उसको यहाँ डेबिट करके चलेंगे। कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट डेबिट, सॉरी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 1,88,000, 2,000 और 1,90,000 से ये एंट्री हम पास करके चल पड़ेंगे। अब इसके बाद हुआ क्या, हमने जो शेयर फॉरफिट किए थे उनको क्या कर दिया था, रीइशू कर दिया था। और कितने शेयर, उनमें से 200 शेयर हमने रीइशू कर दिए थे। उनमें से कितने शेयर रीइशू कर दिए थे, 200 शेयर। 200 शेयर को रीइशू करने की एंट्री क्या होगी, 200 शेयर कितने में इशू कर दिए, 45 रुपीज़ में। यानी 5 का लॉस इंटू 5 किस में चले जाएंगे, शेयर फॉरफीचर में। तो 200 गुना में 50 किस में चले जाएंगे, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 से। क्लियर। अब हमने ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। 200 शेयर आपने रीइशू किए, पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ, सर पर शेयर प्रॉफिट हमें हुआ था 15 रुपये का, क्योंकि उसने केवल एप्लीकेशन दी थी। पर शेयर लॉस कितने का हुआ, सर 5 रुपये का, माइनस कर दीजिए। तो 200 शेयर पर कितने बचे हमारे पास, 10। तो इसका मतलब 2,000 रुपये आप ट्रांसफर कर देंगे किस में, कैपिटल रिजर्व में। तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। साथ ही साथ हमें दिया गया शेयर इशू एक्सपेंसेस 7,000 के हुए, जिनको हमने राइट ऑफ करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 7,000 के शेयर इशू एक्सपेंसेस की क्या एंट्री हो जाती है बता दीजिए, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और राइट ऑफ किस में से कर देंगे, अगर आपके पास प्रीमियम का पैसा अवेलेबल हो तो प्रीमियम में से करें, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करें। तो यहाँ पर तो हमने प्रीमियम मांगा है 5 रुपये का, तो प्रीमियम आपके पास अवेलेबल है। प्रीमियम क्या है, अवेलेबल है। कितने शेयर पर, 9,500 शेयर पर। तो कितना भी हो जाए लेकिन प्रीमियम में से क्या हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। आइए इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहली जनरल एंट्री तो हमारी एप्लीकेशन की रिसीविंग की थी, ये हमने रिसीव कर ली 1,50,000 रुपये के साथ। उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ये ट्रांसफर की एंट्री देखते हैं, लीजिए ये शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर दिया 1,50,000, क्योंकि यहाँ तक तो कोई समस्या थी ही नहीं। अलॉटमेंट के ड्यू में भी हमें कोई समस्या नहीं थी, 2,50,000 और 50,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के। लेकिन जब रिसीव किए थे तो हमने कितने किए थे, 1,92,000, जिसमें 1,90,000 अलॉटमेंट के थे, 2,000 कॉल्स इन एडवांस के थे। ये भी रिसीविंग की एंट्री कर ली थी। उसके बाद हमने शेयर को क्या कर लिया था, फॉरफिट। कितने शेयर को, 500 शेयर को। कॉल्ड अप मनी कितनी थी, 30। तो 15,000 से 500 शेयर पर प्रीमियम कितना था, 5 रुपये, 2,500 रुपये प्रीमियम के। और 500 शेयर पर हमें मिले कितने थे, 15 रुपये, तो 7,500 रुपये शेयर फॉरफीचर में। और 500 शेयर पर 20 रुपये किसके थे, अलॉटमेंट के, तो 10,000 रुपये अलॉटमेंट पे। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू की, क्योंकि अभी हमने इनको रीइशू नहीं किया। तो फर्स्ट कॉल जो हमारी ड्यू होगी वो कितने से हो जाएगी, अब टोटल शेयर थे 10,000, 500 हमने फॉरफिट कर लिए, तो बचे कितने, 9,500। फर्स्ट कॉल की मनी कितनी थी, 20 रुपये। तो 1,90,000 से इसको कर देंगे हम लोग ड्यू। और उसके बाद हम चल पड़ेंगे किस पर, जब हमने शेयर फॉर ये फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कर दिया तो उसको रिसीविंग भी तो करना पड़ेगा। हमें 1,90,000 मिलने थे, जिसमें से 2,000 हम पहले ही ले चुके थे एडवांस पर अलॉटमेंट के। तो 1,88,000 रुपये हमें अब मिलेंगे, तो बैंक में आ जाएंगे 1,88,000 रुपये। कॉल सीन एडवांस 2,000 से डेबिट हो जाएगा, और 1,90,000 रुपये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद हमने क्या किया, जो शेयर फॉरफिट किए थे उनमें से 200 शेयर रीइशू कर दिए। कितने शेयर, 200 शेयर। कितने रुपये का एक, 45 रुपये का एक। तो 50 का मानते हैं, अगर 45 में इशू करेंगे तो 5 का लॉस। और टोटल कैपिटल कितने की आ जाएगी, 200 गुना 50। तो 9,000, 1,000, 10,000 बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। होप सो कि आपको ये एंट्री समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद कैपिटल रिजर्व में मैंने आपको अभी अभी अमाउंट निकाल कर बताया कि 200 शेयर थे, प्रॉफिट पर शेयर 15 था, लॉस पर शेयर 0 है, सॉरी लॉस पर शेयर कितना है, 5 रुपये है, 5 रुपये। तो 15 में से 5 गए, 10, 200 गुना 10, 2,000 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री आप कर देंगे टू बैंक, 7,000, 7,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इसको कर देंगे राइट ऑफ, 7,000, 7,000। ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। अब बात आती है इसकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी जाएगी। तो आइए बैलेंस शीट में कैपिटल जरा एक बार चेक कर लेते हैं। अब बैलेंस शीट में यदि हम शेयर देखें तो हमारे पास टोटल शेयर कितने थे, 10,000, जिनमें से फॉरफिट कितने हुए,
500, तो बचने कितने चाहिए थे 9500, लेकिन इसमें से रीशू कितने कर दिए 200, तो टोटल कितने हो गए 9700। तो 9700 शेयर तो आपके पास वो हैं जो कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट है, क्योंकि 50 के 50 इस पर मांगे जा चुके हैं। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में लिख देंगे 50 से मल्टीप्लाई कराते हुए 1, 2, 3, 7, 5, 35, 3, 9, 5, 45, 3, 48, 485,000। साथ में हम दिखेंगे क्या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या जाएगा सर? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास 500 शेयर जो फोरफिटेड थे उनमें से 200 रिशू हो चुके थे, तो इसका मतलब 300 शेयर का फोरफिचर बैलेंस बचा हुआ है, तो उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे शेयर फोरफिचर बैलेंस के नाम से। तो 300 शेयर पर मिले कितने रुपए थे पर शेयर 15 रुपए, तो 4500 रुपए हम यहाँ पर ऐड करके चलेंगे, टोटल आ जाएगा 489,500 रुपीज, जिसको आप बैलेंस शीट में कैपिटल में शो करेंगे। आइए देखते हैं इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। लीजिए ये है बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड, शेयर कैपिटल कितने की दिखा दी 489,500, मैंने बता दिया कैसे निकालनी है। अगर रिजर्व सरप्लस की अमाउंट निकालनी है तो भाई 10,000 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 50,000 तो ड्यू होते थे टू शेयर कैपिटल, लेकिन हमने 7,000 से क्या कर दिया था हमने इसको शेयर यूज एक्सपेंसिस को राइट ऑफ, तो बचे कितने 43,000, और 7,000 प्रॉफिट किए तो 2,500 रुपये आपने कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम के वहाँ पर भी डेबिट किए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना आया 40,500 प्लस में 2,000 आपने ट्रांसफर किए कैपिटल रिजर्व में, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 42,500। तो ये रिजर्व सरप्लस इस तरीके से निकल जाएगा आपका। बाकी ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, आप बैंक अकाउंट बना लीजिए उससे आपकी अमाउंट निकल जाएगी। नोट्स अकाउंट आप देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए, नोट्स अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल है नहीं, इशूड 10,000 शेयर थे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितने हैं 9700 शेयर, 50 रुपये का 1,485,000 शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस इसमें ऐड कर देंगे तो 489,500। और रिजर्व सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट अगर चेक करें तो देखिए कैपिटल रिजर्व के 2,000 थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 40,500 कैसे आए थे मैंने आपको ऊपर समझाया था कि 50,000 टोटल थे जिसमें से 7,000 रुपये हमने शेयर इशू एक्सपेंसिस राइट ऑफ कर दिए, 2,500 से सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ था, तो 40,500 रुपये हमारे पास बचे थे, तो ये अमाउंट यहाँ से आ जाएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो बैलेंस है वो हम यहाँ से बैंक अकाउंट बनाकर क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। जी हाँ, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 42। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 41, 42, राइट, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, और किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर दीजिए ताकि हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास के लिए कुल इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर इज रिसीव्ड, जब आपको क्या हो गया प्रीमियम मिल गया शेयर को फॉरफिट करते वक्त। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।